नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में चारों तरफ बारूदी गन तेज होती जा रही है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी हुती विद्रोहियों और इराकी शिया रेजिस्टेंस को एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह भी बदले की आग में झुलस रहा है। किसने कहां अटैक किए हैं, पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला का अंत हो गया है और इसी के साथ ही लेबनान में इसराइल का महाविध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रही है, जिसकी वजह से लेबनान में विनाश का बहुत बड़ा जलजला आ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। 24 घंटे में इसराइल ने 60 से ज्यादा स्ट्राइक की है। हमले में 40 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, 3 हथियार डिपो और 9 लॉन्च पैड नेस्तनाबूद हो गए हैं। शेबा, हदात, तायर और बेका में भी हिजबुल्ला की लॉन्च साइट तबाह कर दी गई है। इसराइल कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसराइल लगातार हिजबुल्ला के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां उसके हथियार रखे हुए हैं। पूरे लेबनान में हिजबुल्ला के 140 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। ये तस्वीरें बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की हैं। इसराइल को खबर मिली कि एक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में हथियार रखे हुए हैं। इसराइल ने जरा सी भी देर नहीं लगाई और पूरे गोदाम को ही नेस्तनाबूद कर दिया। पूरा का पूरा इलाका आग के गुबार में तब्दील हो गया। अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। कुछ सेकंड में ही हिजबुल्ला के हथियार तबाह हो गए। हमास के बाद ये हिजबुल्ला पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत फैल गई है। इसराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करने की कसम खा चुका है और दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी लगातार तरी इसराइल में रॉकेट दाग रहा है, जिसे इसराइल के डिफेंस सिस्टम लगातार नाकाम कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने साफेद शहर में सैकड़ों रॉकेट दागे। हिजबुल्ला के बाद इसराइल के टारगेट पर अब ईरान है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। इधर ईरान ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इसराइल से बदला लेकर रहेगा। इब्राहिम रईसी की मौत का बदला, हसन नसरुल्ला की मौत का बदला, इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया गया है। यमन से हूती विद्रोहियों के टारगेट पर इसराइल आ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर किए गए हवाई हमले के एक दिन बाद अब यमन की ओर से इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे एरो डिफेंस सिस्टम ने इसराइल की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया। तेल अवीव के आसपास लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन अलर्ट के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसराइल पर मिसाइल अटैक की कोशिश यमन से की गई थी, जिसकी पुष्टि खुद हूती विद्रोहियों ने की है। हमने तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसराइल के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नसरुल्ला की मौत का बदला लिया जाएगा। इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने अपने एक और प्रॉक्सी को एक्टिवेट किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने भी इसराइल पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे भी नाकाम कर दिया। कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर है जहां ईरान का एक गलत कदम जंग को और भड़का सकता है। ईरान अभी नसरुल्ला की मौत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अगर इसराइल की तरफ बारूदी निगाहें डाली गई तो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर।
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।